हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों, 2024 का जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम यदि आप टारगेट कर रहे हैं, तो अक्सर दोस्तों ये मन में ख्याल ज़रूर से आते होंगे कि यार, करंट अफेयर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ दे आर एक्चुअली हैविंग नथिंग इन देयर पॉकेट। ठीक है, तो करना क्या होता है बेसिकली, या फिर किस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि सिर्फ पढ़ के सिलेक्शन हो जाता तो बहुत सारे एस्पायरेंट हैं जो सिर्फ पढ़ रहे हैं और जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। पढ़ना तो दोस्तों है ही है, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से आपको स्मार्ट स्टडीज़ करनी है, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएँ और उसके बाद आप जो है, जो आपका डिज़ायर जॉब है वो आपको मिल पाए। तो करंट अफेयर्स की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों यदि हम देखते हैं दुनिया में, तो देर आर सो मैनी इवेंट्स दैट आर गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड इन आर डे टू डे लाइफ। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि डेली पढ़ना चाहिए या फिर हफ्ते में पढ़ना चाहिए, वीकली, या फिर दोस्तों मंथली करंट अफेयर तैयार करने चाहिए। एज एन एस्पायरेंट यदि आप ये सोचते हैं कि आप डेली डेली पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेली पढ़िए। यदि आप ये सोचते हैं तो वीकली पढ़िए, तो दोस्तों वीकली पढ़िए। और यदि आपका ये मन है कि करंट अफेयर बिल्कुल ना पढ़े, एक पीडीएफ उठाएंगे या फिर कहीं से तैयार कर लेंगे और लास्ट में दोस्तों एक महीने का तैयार कर लेंगे, वो भी दोस्तों अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसमें से जो सबसे अच्छा है वो है दोस्तों, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको डेली दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों डेली क्यों पढ़ना चाहिए, उसके पीछे का जो मेरा लॉजिक है मैं बता देता हूँ, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स दोस्तों होता क्या है कि जब आप चीज़ों को डेली डेली पढ़ते हैं तो आपकी पहली बात तो रेगुलरिटी मेंटेन होती है पढ़ने में। भाई दिमाग में आपका बोलेगा कि आज मुझे 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करंट अफेयर्स पढ़ने, तो ये आप पे रेगुलरिटी जब मेंटेन करेंगे तो आपका ब्रेन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा बेहतर तरीके से। बिकॉज वो चीज़ें जो आप डेली करते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों ज़्यादा फ्रूटफुल होती है उन चीज़ों के मुकाबले जो आप महीने में एक बार करते हैं या फिर दोस्तों हफ्ते में एक बार करते हैं। तो आई सजेस्ट कि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर दोस्तों पढ़ने चाहिए। अब दोस्तों जब आप डेली डेली चीज़ों को पढ़ेंगे तो कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी होती है जो कि किसी चीज़ या पुरानी न्यूज़ से लिंक होती है। अब दोस्तों जैसे ही वो चीज़ आप पढ़ोगे नई वाले में, तो आपको पुराने को रिकॉल करने का कोशिश करना, बिकॉज रिकॉल यदि आप करेंगे तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा चीज़ें जो है रिटेन रह पाएंगी और आपकी रिटेंशन पावर दोस्तों बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पहला दोस्तों आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको डेली पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों डेली के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो वीकली का आता है, ठीक है। वीकली, साप्ताहिक जिसको बोलते हैं दोस्तों। अब वीकली में क्या है कि जब आप, जो बच्चा डेली पढ़ता है तो वो वीकली यदि करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ उठाएगा या फिर वीडियो देखेगा तो उसको बेहतर चीज़ें दोस्तों लगेंगी, क्योंकि वो चीज़ें उसने पढ़ रखी है। तो पहला दोस्तों डेली पढ़ना है, फिर दोस्तों वीकली रिवाइज करना है, ठीक है। एंड लास्ट में दोस्तों मंथली जो कंपाइलेशन है, ठीक है, मंथली। ठीक है, अब दोस्तों जो मंथली कंपाइलेशन है वो आपको दोस्तों तीसरे नंबर पे पढ़ना है। मंथली जब आप पढ़ेंगे तो दोस्तों जैसे डेली इतना बड़ा समुद्र समझो, वीकली दोस्तों उससे थोड़ा सा सी समझो, और दोस्तों जो मंथली है, ठीक है, अच्छा डेली समुद्र हो गया, वीकली दोस्तों एक तरह से सी हो गया, एंड मंथली दोस्तों रिवर हो गया। मंथली में दोस्तों वही चीज़ें आएंगी जब आप कंपाइलेशन पढ़ोगे जो एटमोस्ट इंपॉर्टेंट की है, और यही दोस्तों आप 6 महीने वाले पढ़ोगे तो उसमें से भी दोस्तों ये छलनी की तरह जो है वो छनते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है छूट जाए यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये कोई ज़रूरी तो नहीं है जो मंथली कंपाइलेशन बना रहा है उसने सारी चीज़ों को कवर किया है। इसीलिए दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको डेली बेस पर पढ़ना चाहिए। ना सिर्फ पढ़ना चाहिए, अपने हो सकता है तो आप अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ने लगेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये फायदा होगा डेली डेली पढ़ने से कि आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी और आप एक ब्रॉडर जो एक व्यू है उन चीज़ों का ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो फाइनल कॉल है कि भैया आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। अब दोस्तों आई एम प्लानिंग, डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ में भी आई एम डूइंग समथिंग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि दोस्तों सी सेट वाली क्लासेस हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं मैंने, और 5-6 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, और आने वाले टाइम में रिवीजन भी होगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी बच्चा इंक्लाइनेशन जो है थोड़ा सा भी इंक्लाइंड कम है,
सी सेट के बारे में, क्योंकि उसको लगता है लास्ट के 2 महीने पढ़ेंगे तो सी सेट हो सकता है निकल जाएगा। बट दोस्तों अपनी अपनी एक तरीका है सोचने का, बट मैं दोस्तों बोलूँगा कि आपको डेली 1 घंटा कम से कम सी सेट के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेटली, और 1-2 दिन या हफ्ते में आपको चीज़ें मिलने लगेंगी डेली बेसिस पर, ये भी दोस्तों मेरा वादा है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी आपके लिए दोस्तों शॉर्ट्स आते हैं वो फॉलो करिए, कंसेप्ट दोस्तों मैं बताता रहता हूँ उसको फॉलो करिए, स्ट्रेटेजी दोस्तों आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, हालांकि सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई फील लाइक के लास्ट में दोस्तों बस चलते चलते ही बोलूँगा कि अपना डेली जो है करंट अफेयर्स सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, दोपहर पढ़िए, जब आपका मन है पढ़िए, क्योंकि दोस्तों जीवन में यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, और खासकर दोस्तों पढ़ाई से रिलेटेड है, तो बिना पढ़े दोस्तों वो आपके काबू में या हाथ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां दोस्तों अपना होगा। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इन्फॉर्मेशन विद सम मोर कंटेंट। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।